जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप में से कई सारे लोग अपना फोन कभी ना कभी चेंज करते हैं, यानी कि पुराने फोन से नए फोन में शिफ्ट होते हैं, या बाय चांस एंड्रॉइड से आईफोन में शिफ्ट होते हैं, या आईफोन से एंड्रॉइड में शिफ्ट होते हैं। तो दोस्तों, व्हाट्सएप पर आपको एक तरीके की दिक्कत ये आती है कि आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चैट होती है जो कि पुराने फोन से नए फोन में ट्रांसफर करनी होती है। अब कई बार आप लोग ईमेल के माध्यम से कर लेते हैं, लेकिन पॉसिबल ये होता है कि ईमेल के माध्यम से पूरी नहीं आ पाती। कई बार जहां तक बैकअप होता है वहां तक आ पाती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपने पुराने फोन से नए फोन में जो चैट है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में, और एक एक मैसेज आपका पुराने से नए फोन में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कैसे होता है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा एक एक स्टेप आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए व्हाट्सएप के टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस लेकर के रहता हूं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरे दोनों मोबाइल्स की स्क्रीन आपके सामने आने लगी होंगी। ये मेरा मान लीजिए कि पुराना सेट है और ये मेरा नया सेट है। इससे मुझे सारी चैट्स को इसमें ट्रांसफर करना है। तो सिंपल से मैं क्या करूंगा, व्हाट्सएप ओपन कर लूंगा कुछ इस तरीके से। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहां पर मैं 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूंगा। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहां सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में जाने के बाद यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा चैट का, तो चैट्स पे क्लिक करूंगा। चैट में जैसे ही क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो आपको यहां पर एक तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे। तीन में जो बीच वाला ऑप्शन है वो है ट्रांसफर चैट का। तो बस सिंपल से आपको क्या करना है, ये चैट ट्रांसफर चैट पे क्लिक करना है। और यहां पर दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा कि ट्रांसफर चैट हिस्ट्री टू एंड्रॉइड फोन, है ना, कि आपकी जो भी चैट है यहां पर वो आपको नए फोन में ट्रांसफर करनी है। तो आप स्टार्ट करिए, तो यहां पर सिंपल से आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर नियर बाय वाईफाई डिवाइस, तो इसको आपको सिंपल से कंटिन्यू करिए अगर आता है। इसके बाद अलाउ करिएगा, और इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे होंगे QR कोड को स्कैन करने वाला सिस्टम खुल करके आ गया होगा। अब दोस्तों क्या करना है, आपको अपने नए वाले फोन में जाना है, नए वाले फोन में WhatsApp को खोलना है, और WhatsApp को खोलने के बाद यहां पर आपको नंबर डालना है जो भी आपका है, मतलब इस वाले फोन का जो नंबर है वो यहां पर डालिएगा। तो मैं यहां पर सिंपल से नंबर डाल लेता हूं। नंबर डालने के बाद मैं यहां पर सिंपल से नेक्स्ट करूंगा। जैसे ही आप यहां पर नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे OTP पूछेगा। OTP के लिए आपको यहां पर सिंपल से ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहां पर वेरीफाई अनदर वे पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहां पर SMS पर क्लिक करना है। SMS पर क्लिक करके यहां पर कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो दोस्तों एक OTP है जो आपके फोन में भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहां पर मुझे एक OTP रिसीव हुआ है, तो वो मैं चलिए यहां पर फटाफट से डाल लेता हूं। जैसे मैंने यहां पर OTP डाली, ये यहां पर वेरीफाई मांग रहा है, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद मैंने यहां पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन लगा रखा है, ये भी यहां पर मैं डाल देता हूं। चलिए वेरिफिकेशन डालने के बाद दोस्तों यहां पर ये वेरीफाई कर रहा है। इसके बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद यहां पर देखिए लिख करके आ रहा है ट्रांसफर चैट हिस्ट्री फ्रॉम ओल्ड फोन। तो यहां पर सिंपल से मैं क्या कर दूंगा, कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद नियर बाय डिवाइस कंटिन्यू कर दूंगा, अलाउ कर दूंगा, और फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। और यहां पर वाईफाई मांग रहा है, तो मैं यहां पर सिंपल से वाईफाई कनेक्ट कर दूंगा। अब यहां पर दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि टर्न ऑफ हॉटस्पॉट, तो आप ये नॉट नाउ कर दीजिएगा, कंटिन्यू करिएगा तो ये आपको हॉटस्पॉट बंद ही करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर सिंपल से क्या करता हूं, हॉटस्पॉट बंद कर देता हूं, और बंद करने के बाद बैक आता हूं। बैक आने के बाद व्हाट्सएप पर जाता हूं कुछ इस तरीके से, यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं। तो ये आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने एक कोड बन के आया। अब मैं इस फोन से इस कोड को स्कैन कर दूंगा। तो मैं जैसे स्कैन करूंगा तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे सर्चिंग योर न्यू फोन, यहां पर जो भी मेरा पुराना वाला फोन है उसका नेम लिख करके आ जाएगा। तो यहां पर लिख करके आ रहा है 804। मैं यहां पर इसको सिंपल से एक्सेप्ट करता हूं। एक्सेप्ट जैसे ही करता हूं तो उसके बाद यहां पर देखिए लिख करके आ गया कनेक्टिंग वेटिंग फॉर योर ओल्ड फोन। अब ये थोड़ा सा वेट करेगा, और ये देखिए प्रिपेयरिंग, और ये यहां पर डेटा जो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया है। अब दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और ये थोड़ा सा समय लेगा, मतलब वीडियो की फाइल थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। और जैसे ही ये यहाँ पर 100% होगा तो मेरे पुराने फोन का जो भी बैकअप है वो मेरे नए फोन में चला जाएगा, और मैं आसानी से अपने व्हाट्सएप को अपने नए फोन में इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो दोस्तों ये मैंने कुछ स्टेप्स बताए जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने पुराने फोन से नए फोन में अपना सारा जो चैट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है इसे करने के दौरान, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके जवाब को देने की। फिलहाल दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।